गाइस रियांश फैंस तो फ्री हो चुके हैं, यानी कि हमारे जो आइकॉनिक को लवर्स के वोटिंग लाइंस है वो क्लोज हो चुकी है। एंड बता दूँ, अगर वोटिंग लाइंस क्लोज हो चुकी है तो भी आप लोग फ्री हो, बट आप लोग को ट्रेंड्स में ध्यान देना है एंड रियांश के म्यूज़िक एल्बम पे ध्यान देना है। तो आप लोग अब कहोगे कि कैसे ध्यान दें म्यूज़िक एल्बम पर, म्यूज़िक एल्बम के लिए अगर राहुल एंड हेली अगर रेडी नहीं है तो कैसे ध्यान दें। तो गाइस अगर हमारे रियांश की म्यूज़िक एल्बम की बातें अगर पक्की हो जाएगी ना, सिर्फ सिर्फ बातें अगर पक्की हो जाएगी तो बाद में म्यूज़िक एल्बम आने से भी चलेगा। यानी कि रियांश की म्यूज़िक एल्बम की बातें हम लोग फाइनल करते हैं, यानी कि हम लोग जो है वोट्स तो हम लोगों ने कर लिए हैं, अब रियांश जीता है या नहीं लेट्स सी देखते हैं। तो बता दो आप लोग अभी फ्री हो, ट्रेंड्स में ध्यान दो। इसी मंच जो है दो ट्रेंड्स प्लान किए गए हैं, जितना तक मैंने देखा है तो दो ट्रेंड्स प्लान किए गए हैं, सारे ट्रेंड्स के टैगलाइन ये वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दूंगी। एंड बता दो अभी आप लोग फ्री हो चुके हो तो अभी आप लोग रियांश की म्यूज़िक एल्बम पर ध्यान दो, यानी कि सारे के सारे प्रोड्यूसर्स से पायल देव ऑफिशियल, हिमांशु कुमार ऑफिशियल, उसके बाद मतलब कि आईडी के नेम्स में बता रही हूँ, अनिल झा, सारे के सारे लोगों से जो है आप लोग डिमांड करो रियांश की म्यूज़िक एल्बम के लिए। रियांश की म्यूज़िक एल्बम तो आएगी आएगी एमकेवी लाइव म्यूज़िक के थ्रू, बट एमकेवी लाइव म्यूज़िक वालों ने एक एक चीज़ भी कही है कि अगर हेली नवंबर के पहले अगर हेली हाँ नहीं कहती है, अगर नहीं करती है, तो हमारे एमकेवी लाइव म्यूज़िक वाले जो है उस सॉन्ग को, मतलब जो म्यूज़िक एल्बम उन्होंने रेडी किया था रियांश के लिए, उसको वो लोग जो है ऐसे ही लेबल पे रिलीज़ कर देंगे, लेबल पे रिलीज़ कर देंगे, लिरी इस पे रिलीज़ कर देंगे वो लोग। तो ये तो अच्छी बात नहीं, बिना जोड़ी के सॉन्ग जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। एंड आप लोग बता दो हमारे जो हेलिशा को सारे के सारे ऑफर जो है पहले से आ रखे हैं, इस वजह से हेलिशा अभी फ्री नहीं है। एंड अभी जो है फैंस ज़्यादातर बोल रहे हैं कि हेलिशा इश्क में मैं जाऊँ जब आएगा सीज़न 3, तब भी वो ऐसा ही करेगी, मतलब कि इश्क में मैं जाऊँ सीज़न 3 जब आएगा तब भी हेलिशा वही कहेगी कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ। तो हेलिशा भी नहीं करे ऐसा नहीं कहेगी। एंड हेलिशा का रिसेंटली इंटरव्यू में हेलिशा ने खुद ही कहा था कि उन्होंने कोई शो लेके नहीं रखा है, उन्होंने बस छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स लेके रखा है। सो हेलिशा इश्क में मैं जाऊँ सीज़न 3 में ज़रूर नज़र आएंगे। एंड आप लोग बता दो अभी आप लोग फ्री हो तो अभी आप लोग दो चार दिन जो है फ्री हो जाओ, मतलब दो चार दिन जो है थोड़ा सा ठीक ठाक रहो, उसके बाद से आप लोग फिर से स्टार्ट कर दो, या फिर अगले मंथ से आप लोग स्टार्ट करो। मतलब कि वोट्स तो हो गया, सारी चीज़ें हो गया, अभी आप लोग स्टार्ट करो म्यूज़िक एल्बम को लेके, मतलब कि म्यूज़िक एल्बम को लेके डिस्कस करो किसको। हम लोग जो है ना एक एक दिन करके करेंगे, आज जैसे कि हिमांशु कुमार ऑफिशियल को रिक्वेस्ट किया, कल पायल देव ऑफिशियल को रिक्वेस्ट करेंगे, एंड उसके अगले वीक हम लोग करेंगे। ऐसा ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सो यही था बस अपडेट, अगले वीडियो पर मिलेंगे किसी ना किसी ने अपडेट के साथ।